कन्नौज में निर्माणाधीन पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र की बदहाली पर मंत्री का विरोधाभासी कटाक्ष। मंत्री बोले, यहां के विधायक सांसद की जिम्मेदारी थी, 7 साल से निर्माण न होने पर विधायकों सांसदों को घेरा। कन्नौज में 5 साल रहे भाजपा के सांसद और 1 साल से हैं भाजपा के विधायक। सफाई कर्मियों के अफसरों के घर में तैनाती पर कहा जल्द खत्म ठहराया दोषी। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दिए सीएम के ऑफर पर कहा, ये मुंगेरी लाल का सपना सोच रहे हैं। अखिलेश सरकार ने अनोगी मिसाल साल 2016 से 17 में शुरू कराया था प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण। बिल्डिंग बनने के बाद सरकार बदली तो अधर में योजना लटक गई थी। देखिए, आज के लगभग 1.5 महीना पहले मुझे ये जानकारी हुई कि 16-17 में 3 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था। तो मैंने सबसे पहले बलिया देखा, तो बलिया तो कंप्लीट है, अम्बेडकर नगर और ये कन्नौज। तो जब कन्नौज के विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश किए तो ये पता लगा कि अब देख रहे हैं जो सूचना मिली वो सही सूचना है। तो इसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आज इधर आए हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, इस दिक्कत को ठीक करके जो मंशा है सरकार की, उस मंशा के हिसाब से काम को सुचारू रूप से कराया जाए। सर जी, आज आप आए थे तो आपको सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं मिली, गंदगी गंदगी। देखिए, दो पाटन के बीच में साबित बचान को है ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।